मैं श्रीमती बिमला शर्मा, गांव डोला, जनपद बागपत, सोशल वर्कर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हिंडन नदी हमारे नज़दीकी है और उसमें जब हम देखा काफ़ी समय पहले तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें इतना प्रदूषण हो गया कि अब उसका ना तो पानी पीने लायक है ना नहाने लायक है। चारों तरफ देखते हैं कि गंदगी गंदगी है, उसमें पशु डाल दिए जाते हैं, कुत्ते डाल दिए जाते हैं और क्या कहते हैं सब कुछ पूजा पाठ का कूड़ा करकट जितना भी है सब डाल दिया जाता है। तो इससे एक तो बीमारी इतनी फैल रही है जिसकी कुछ हद नहीं बागपत जिले के अंदर, मेरठ जिले के अंदर। और उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि इस पर जो भी कोई कार्य करें पानी के ऊपर, मैं इसमें पूर्ण रूप से सही होना चाहती हूँ, मैं पानी के ऊपर काम करूँ, ये मेरी इच्छा है। और कुछ कहना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि ये कार्य आगे बढ़े और मैं अपने गाँव समर सेविल लगते हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन उन समय सेविल लगाने का हम ये केवल ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए, क्योंकि मीटर लग जाएंगे और मीटर लगने के बाद में जब पैसा देना पड़ेगा लोगों को समर सेविल कराने का, क्योंकि फालतू पानी बर्बाद होता है, जहाँ एक बाल्टी में काम हुआ 10 बाल्टी में काम होता है, ये हम खुद देखते हैं आंखों से। तो हम यही अपील प्रार्थना करना चाहते हैं गवर्नमेंट से भी, अब सोशल वर्कर से भी और भी पब्लिक से, आम जनता से भी, कि पानी कम बर्बाद करें और समर सेविल के लिए मीटर ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।